नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं कालूनाथ जगन्नाथ जी। हम सेंट्रल जेल से बात कर रहे हैं, इंदौर के सेंट्रल जेल में ये कैदी हैं। कालूनाथ जगन्नाथ जी को काफ़ी परेशानी थी, 6-7 सालों से उनको आँख से दिखाई नहीं आता था और काफ़ी परेशान थे, मोटा चश्मा लगता था। और हम लोगों ने 18/11/2021 से इनका होम्योपैथी ट्रीटमेंट इसके लिए स्टार्ट किया। हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ सेंट्रल जेल में हर महीने के तीसरे शनिवार को जाते हैं और 18/11/2021 से जब इनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू किया तो धीरे धीरे उनको आँखों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया। और आज कालूनाथ जी हमको बता रहे हैं कि उनको अब चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है और दिखाई भी अच्छा आने लग गया। कालूनाथ जी, आप बताएंगे कि आपको कब से क्या क्या परेशानी थी और होम्योपैथी इलाज के बाद क्या रहा? 2015 से मेरे को आँखों में पानी निकलता था, आंसू आते थे। जी जी। और जब चश्मे के जांच कराई थी तो मेरे आपको चश्मे लगेंगे जी, 2.5 ऐसा चश्मा लगा था मेरे को जी। फिर बढ़ते बढ़ते फिर 3.0 हो गया। अच्छा, 3.0 हो गया 2016 से। फिर मेरे ज़्यादा ही तकलीफ हो रही थी 2016 से। चश्मा रात को भी पेशाब करने जाऊँ, बाथरूम जाऊँ तो चश्मा लगाना ही पड़ता था। कंटेनर उससे कोई दिखाई देता था, टीवी के अंदर ये लाइनिंग हेडलाइन नहीं दिखती थी। जी जी। आपकी उम्र कितना है? मेरी अपनी 59 है। 59 साल है तो 59 साल में आपको इतना फायदा हो गया। हाँ, आपको कोई शुगर की परेशानी नहीं है? कोई तो ऐसा क्या हुआ था जिससे आपको आपकी परेशानी हो गई थी? टीवी ज़्यादा दिखता था, मोबाइल चलाता था तो। अच्छा, उसके कारण परेशानी होती बढ़ती चली गई। तो उम्र का था कि मैं ऐसा उम्र का भी था लेकिन ज़्यादातर मोबाइल चलाने से ज़्यादा हो गया। तो जब होम्योपैथिक दवाई चालू किया तो कैसा रिजल्ट? थोड़ा अच्छा आराम पड़ा मेरे को। उसके बाद आराम पड़ा? 6 महीने बाद मैंने चश्मा उतार दिया था। अच्छा। उतारने के बाद पानी कम होने लगा था। जी जी जी। थोड़ा दिन और मैंने पहना चश्मा तो बाद में चश्मे से गड़बड़ ही दिखा था। ओके। हाँ, तो उतना पावर आपका इम्प्रूव हो गया ना। पहले मैंने चश्मा उतार के रख दिया, चश्मा तो अब चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती और अब आँख में कोई परेशानी नहीं। देखिए दोस्तों, ये है हमारे साथ कालूनाथ जगन्नाथ जी, जो जिनकी उम्र है 59 ईयर्स। और आप बता रहे हैं कि 18/11/2021 से जब इनका होम्योपैथी ट्रीटमेंट चालू हुआ आँख की परेशानियों के लिए, धुंधलापन के लिए और आँख की रोशनी जो कम होती जा रही थी, तो लगभग 10 महीने के होम्योपैथिक इलाज में आज इनको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ रही। हालांकि इनका कहना है कि 6-7 महीने बाद ही उनको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। और ये आज मुझे मिलने आए और बताने के लिए स्पेशली आए कि उनका चश्मा उतर गया, काफ़ी खुश है। डेफिनेटली हमको जब आँख से दिखाई नहीं आता है तो बड़ी परेशानियां होती है, और जब हमें बिना चश्मे के दिखाई आने लगे तो इससे अच्छी और खुशी की बात क्या हो सकती है। आप भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट को अपना सकते हैं। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए हमको कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 999-370-0880। हम लोग इंदौर के सेंट्रल जेल में हर महीने के तीसरे शनिवार को जाते हैं और यहाँ के कैदियों को जो हमसे बन सकता है वो इलाज करते हैं। काफ़ी सारे कैदी तो स्किन के होते हैं जिनको त्वचा रोगों की बहुत सारी परेशानियाँ होती है, दाद होती है, खुजली होती है। उसके अलावा पेट संबंधित होते हैं जिनको ब्लीडिंग पाइल्स होती है। उसके अलावा जोड़ों में दर्द की शिकायत लेकर के आते हैं, लेकिन कालूराम जी आँख की परेशानी लेकर के आए थे और आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।